हरियाणा प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे श्री सील मधुर आज सोहना नुह बॉर्डर पहुंचे, जहां पर नुह हिंसा को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नुह हिंसा के दौरान जिन अधिकारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए संपूर्ण ईमानदारी वे अपना फर्ज निभाते हुए श्रद्धालुओं की जान बचाई, उन्हें हरियाणा सरकार से सम्मानित कराने का कार्य किया जाएगा। वही श्री सील मधुर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा की लॉ एंड ऑर्डर एडीजीपी ममता सिंह व उनकी टीम द्वारा व अन्य पुलिस के अधिकारियों द्वारा बड़ी सूझबूझ से काम लिया गया। हिंसा वाले दिन जहां नुह मेवात जिला जल रहा था, ऐसे में श्रद्धालु कुछ फंसे हुए थे। ऐसे में एडीजीपी ममता सिंह उनके लिए फरिश्ता बनकर आई और अन्य पुलिस के अधिकारियों ने श्रद्धालुओं और आमजन की जान बचाई, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर अधिकारियों को सम्मानित कराने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि साहस भरा कार्य करते हुए जहां श्रद्धालुओं की जान बचाई गई, ऐसे में आम जन के लिए लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा रोड पर उतरकर शांति फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ऐसे में नुह जिले का आम जनजीवन किस तरीके से दोबारा से पटरी पर आए, नुह पुलिस प्रशासन द्वारा व जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। ताजा लाइव तस्वीरों में देखिए कि आप एडीजीपी रेवाड़ी रेंज एम रवि किरण वही हरियाणा की लॉ एंड ऑर्डर एडीजीपी ममता सिंह द्वारा जहां नुह की सब्जी मंडी में जहां व्यापारियों से बात की गई और रोजमर्रा का सामान इत्यादि के बारे में बारीकी से जानकारी ली गई, वही आम जन में भय ना हो उसी को लेकर लगातार मेवात जिले की खाकी द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर लोगों में सुरक्षा का एहसास कराया जा रहा है। वही पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री सील मधुर ने कहा कि वास्तव में काबिले तारीफ है जो मेवात की नुह हिंसा के दौरान अधिकारियों ने जो साहस भरा कार्य किया तथा संपूर्ण ईमानदारी के साथ मोर्चा संभाला, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत कर उनको पत्र लिखकर उन्हें सम्मानित कराने का काम करेंगे। यहाँ पे जो भी घटना हुई थी उसमें मैंने जो जितना पढ़ा है अखबारों में उसमें देखा कि पुलिस ने लास्ट में जा करके किस प्रकार से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से मेहनत करके और हौसला रख के वीरता के साथ वहाँ पे कार्य किया और लोगों को निकाला भी। सभी लोग आप लोग भी उनके लिए भी थैंकफुल हैं, यहाँ पर उन्होंने मेहनत करके लोगों को बचाया पत्थरों से और किसी और बड़े हादसे होने से। तो इसलिए मैं ये भी गुजारिश करूँगा अपनी सरकार से कि ऐसे जो पुलिस अधिकारी हैं जैसे ममता सिंह हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं और उन्होंने इतना आदम साहस दिखलाया है और उनके साथ और भी लोग हैं उनके साथ जिन लोगों ने कार्य किया है, तो उनको जो है गैलेंट्री मेडल मिलना चाहिए। एक जो गैलेंट्री मेडल होता है साहस करने का, मेहनत करने का जो मेडल देती है सरकार, इससे भी लोगों की हौसला बढ़ती है और पुलिस में। तो इसलिए मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ कि ये चीज़ भी हो और इसके लिए मैं लिख के भेजूँगा।